नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं रिव्यू विद विकास। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम बात करेंगे रेनो क्विड के बारे में और मैं हूं इस समय रेनो 63 नोएडा के शोरूम में, जहां पे आप देख सकते हैं कि रेनो की सारी ही कार। आज हम इसके बारे में बात करेंगे, क्विड जो है 2022 मॉडल, क्या है चेंज 2021 से, क्या है, क्या प्राइसिंग है, क्या लुक चेंज किया है, क्या इंजन में रिफाइनमेंट है, ये सारी चीज़ें बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अनुज जी मुझे बताइए, इसके फ्रंट जो है ना, मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है फ्रंट में जो है, इसके फ्रंट के बारे में जानकारी दीजिए कि फ्रंट में कोई चेंज है, सेम है या कुछ एडिशनल, कुछ एड ऑन किया गया है? बेसिकली मिस्टर विकास, अगर हम बात करें न्यू 2022 कार्स की, तो बेसिकली कोई कार चेंजेस कुछ भी नहीं करे हैं, सिर्फ जो रिफाइनमेंट किया है वो एक इंजन में रिफाइनमेंट किया है। ये काफ़ी वाइड DRLs हैं जो कि इस सेगमेंट की कार्स में आपको किसी भी कार में नहीं मिलते हैं। दिस इज़ अ फर्स्ट इन क्लास फीचर जो कि इतने वाइड DRLs आपको मिलते हैं, साथ ही ये LED DRLs आपको मिल जाते हैं। दिस इज़ ऑल्सो फर्स्ट इन क्लास फीचर। दिस इज़ अ डुअल बीम हेड लैम्प्स, इसमें आपको एक सिंगल लैम्प, आपको डुअल बीम हेड लैम्प्स मिल जाती हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो फर्स्ट इन क्लास फीचर ऑफ द क्विड। लुक्स जो है फ्रंट से काफ़ी वाइड है, काफ़ी बोल्ड है, जस्ट बिकॉज ऑफ इस कार को मिनी डस्टर भी बोलते हैं, मिनी SUV भी बोलते हैं। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि इस कार में आपको जो बोल्डनेस है या जो ब्रॉडनेस है वो आपको इस कार के अंदर मिल जाती है। जैसे अनुज जी, मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे जो ORVM है इसका कलर चेंज है, मतलब डुअल कलर बोल सकते हैं कि ये गाड़ी का कलर अलग है इसका कलर। तो क्या ये सिर्फ इसी वेरियंट में आता है या सब वेरियंट में आता है? बेसिकली अगर हम टॉप मॉडल RXT ऑप्शनल की बात करें, अगर हम 1000cc की कार की बात करें, तो इसका आउटर पार्ट जो है, जो होता है वो सेम होता है। जैसे अगर आप, जैसे कि देख पा रहे हो, अगर आपका कैमरा आप नीचे एक बार लेके जाइए, इसका जो आउटर पार्ट है, जैसे कि इसके जो व्हील कैप्स हैं वो भी सिल्वर है, इसका जो ORVM है वो भी सिल्वर है, और ऐसे ही आपको जो एक्सटीरियर जो पार्ट है ना वो आपको पूरा एक सिंगल बेसिकली मिल जाता है आपको सिल्वर टच के साथ। ठीक है, इसमें टायर साइज क्या है और इसकी क्लैडिंग यहाँ पे बहुत आर्क जो है ये बहुत अच्छा दिया हुआ है, बहुत ब्रॉड है ये। बेसिकली अगर आप, जैसे कि सभी जानते होंगे, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इसके जो स्टांस हैं कार के वो एक SUV कार्स की तरह हैं। तो अगर आप देख सकते हैं, जो भी SUV कार्स आती हैं, तो जो व्हील आर्च क्लाइडिंग जो मिलती है आपको सिर्फ एक SUV कार्स में मिलती है, तो वही एक सेम पैटर्न आपको रेनो क्विड में भी मिल जाता है। जैसे मैं देख पा रहा हूँ, जैसे आपका ये इधर आपकी क्विड खड़ी है और ये काइगर खड़ी है, तो काइगर भी एक मिनी SUV ही। जी जी, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ का जो आर्क है और वो जो आर्क है वो बहुत ब्रॉड है, मतलब उसका जो SUV का फील है वो यहाँ पे भी दिया गया है, जैसा आप बता रहे हैं कि मिनी SUV। जी जी बिल्कुल, परफेक्टली राइट। अगर आप देखेंगे तो इसमें भी आपको व्हील आर्च क्लाइडिंग मिल जाती है, साथ ही आपको एक बहुत ही लुक्स को इनहेंस कर देने वाला एक साइड इंडिकेटर भी मिल जाता है, जो कि इसकी प्रेजेंस को स्टेबल करता है कार की। जी बिल्कुल, मैं व्यूअर्स में आपको बता दूं कि यहाँ पे ये जो आर्क है और वो काइगर का आर्क है, आप देख पा रहे हैं ये काइगर का आर्क है और ये इसका आर्क है, दोनों में साइज में मुझे ऑलमोस्ट बराबर लग रहा है, तो ये फील दिया गया है कि एक SUV फील का। बाकी इसमें टायर साइज बताइए, टायर साइज क्या है इसमें? बेसिकली अगर हम टायर साइज की बात करें, तो इसका जो टायर साइज है दैट इज 14 inches टायर साइज, और ये जो टायर है ट्यूबलेस टायर आपको इस कार के अंदर मिल जाता है। अगर हम इसके टायर साइज की बात करें तो 165/70R14 का इसका टायर साइज है। तो ये अलॉय नहीं है? नो, इट्स नॉट एन अलॉय, बट इट्स अ नॉर्मल व्हील आपको मिल जाता है। ट्यूबलेस है ये? हाँ, ट्यूबलेस और रेडियल दोनों आपको मिलता है, ट्यूबलेस भी है ये टायर और रेडियल भी है। साइड में भी आपने बताया कि यहाँ पे 1.0 की बैजिंग, यानी कि 1000। हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो हम वॉक अराउंड जो कर रहे हैं, जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, वो एक 1000cc कार की दे रहा हूँ। सो आपको यहाँ पे बैजिंग भी मिल जाती है एक 1000cc की कार पे। सो दिस इज अ 1.0 liter इंजन एंड दिस अ वेरी पावरफुल इंजन जो आपको इस कार के अंदर मिल जाता है। साइड से भी मुझे मतलब बहुत अच्छी लग रही है, जो इस सेगमेंट की कार्स है उसमें लुक वाइज की अगर मैं बात करूं तो ये वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग कार है इस सेगमेंट की। या परफेक्टली राइट, अगर हम बात करें इसके साइड डिजाइन की, तो इसमें अगर आप देख पा रहे हो तो डिजाइन जो कर्व्स जो हैं कार के वो बहुत क्लियर, क्रिस्टल क्लियर कर्व्स मिल जाते हैं आपको, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो ना। तो डिजाइन जो है वो एक नॉर्मल बोरिंग कार की तरह नहीं है, एक नया ट्रेंडी कार की तरह है, एक यंग यूथ की कार आपको मिल जाती है, इसे आप इजीली लाइक आपकी पर्सनैलिटी को भी ये कार सूट करती है। अगर हम इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इस सेगमेंट की कार्स में सबसे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाता है, 184mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाता है, जो कि इस सेगमेंट की किसी भी कार में आपको इतना ग्राउंड क्लियरेंस नहीं मिलेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ कि इसका जो स्टांस जो है कार के, इसका जो डायनेमिक जो कार जो है वो एक SUV इंस्पायर्ड डिज़ाइन कार है, तो उसी बेस पे आपको इसका ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। टेल लैम्प्स अगर आप शायद देख पा रहे हो इस कार की, मैं एक बार ऑन करके भी दिखा देता हूँ।
अगर इसकी इसकी टेल लैंप्स को अगर हम दिखाएं तो दिस इज़ अ फर्स्ट इन क्लास टेल लैंप आपको एलईडी टेल लैंप्स मिल जाती है, जो कि एक वाइड यानी कि बड़ी कार्स में आपको मिलती है। वो टेल लैंप आपको एक छोटी क्विड के अंदर भी मिल जाती है। ये काफी अच्छा इस सेगमेंट की एलईडी में, मतलब इस सेगमेंट में मेरे ख्याल से जी, ये जी जी परफेक्ट है। इसमें किसी और सेगमेंट में नहीं, नहीं ए सेगमेंट की कार्स में सबसे आपको फर्स्ट इन क्लास आपको टेल लैंप्स एलईडी टेल लैंप्स मिल जाती हैं। साथ ही इसके पीछे की अगर हम डिजाइन की बात करें, सबसे मेन चीज का अगर आप शायद बम्पर देख पा रहे हो ना, सो दिस इज अ स्क्रैचलेस बम्पर। इसमें आपको अगर पीछे से कोई स्क्रैच भी लगते हैं तो आपको पता नहीं लगता, बिकॉज एक एसयूवी इंस्टांस कार के अंदर दिए हुए हैं। तो सेम पैटर्न पे इस कार के बम्पर रियर बम्पर को भी बनाया गया है, स्क्रैच फ्री स्क्रैचलेस। मतलब कि इस पे स्क्रैच लगेगा ही नहीं, ये तो बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि मतलब सबसे ज्यादा अगर दिल्ली एनसीआर में आप चलते हो तो सबसे ज्यादा गाड़ी पीछे से ही लगती है, कभी कोई रिक्शा वाला दे दिया, कोई बाइक, मोस्टली तो बाइक वाले ही लगाते हैं। तो ये मतलब अगर बहुत ज्यादा अगर एक्सीडेंट हो जाए तो कोई बात ही नहीं है, बट अगर सिंपल अगर कोई टच करके चला जाए तो वो स्क्रैच नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। आप बिल्कुल आप फ्रीली माइंड से आप इस कार को ड्राइव कर सकते हो। इसमें आपको रियर बम्पर पे कोई भी छोटा मोटा अगर कोई हिट होता भी है तो कोई स्क्रैच नहीं आएंगे। इससे मेन चीज क्या होता है, इससे आपका मेंटेनेंस और कम हो जाता है कार का, फील आपको बेसिकली आप फ्री माइंड से ड्राइव कर सकते हो, थोड़े बहुत स्क्रैचेस इस पे आपको कभी नजर नहीं आएंगे। बिल्कुल, और यहाँ पे कैमरा भी है। जी 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 जी, आप सही पहचाने सर। इसमें आपको रियर में कैमरा भी मिल जाता है, जो कि एक छोटी सी कार के लिए एक बहुत बड़ी बात है, जो कि अगर हम देखें तो इस कार के अंदर आपको एक ए सेगमेंट की कार के अंदर भी आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है। और इसका अगर आप देख रहे हैं ना, तो इसका जो प्लेसमेंट जो है कैमरे की वो बहुत अच्छे से करी है। आप एक बार अंदर चलने से पहले मैं सोचता हूँ ये जो है ये मैंने इस सेगमेंट की कार में नहीं देखा है। ये रूफ स्पॉइलर आपको मिल जाता है, जो कि इस कार की स्टेबिलिटी का आपको और इन्हेंस कर देता है। बेसिकली इसका जो काम होता है वो एयर की डाइवर्जन के लिए होता है, जिससे कि इस कार की जो रोड प्रेजेंस जो है, जो स्टेबिलिटी है, वो और इन्हेंस हो जाती है। आप ये कहना चाहते हैं कि ये अपने सेगमेंट की वन ऑफ द मोस्ट एरोडायनामिक कार है। जी 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 जी। इस कार की अगर हम शेप की बात करें तो आपको फ्रंट से लेके ऊपर रूफ तक भी आपको एरोडायनामिक शेप मिल जाती है। साथ ही स्पोर्टी स्पॉइलर आपको इस कार के अंदर मिल जाता है, जो कि इस कार की लुक्स को और बढ़ा देता है और इनहेंस कर देता है। इसमें एंटीना भी वहाँ पे दिया हुआ है, ये मतलब ये निकल जाता है या फिक्स है? नहीं, आप इसे एडजस्ट कर सकते हो, इसे अप एंड डाउन एडजस्ट कर सकते हो इस कार के एंटीना को। साथ ही एक एसयूवी इंस्टांस भी आपको इस कार के अंदर इस एंटीना से भी फील होता है। बहुत अच्छी, बहुत शानदार, बहुत दमदार। बस अब ये है कि अगर आपको चाहिए तो सीधे आइए रेनो 63 में, यहाँ पे आप आके अनुज जी से मिल सकते हैं। सारा डिस्क्रिप्शन में इनका मैं आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स, नाम, एड्रेस, शोरूम का सब कुछ दे दूँगा। बाकी आप रेनो हो, ये क्विड हो, या पीछे कोई भी आपकी कार हो रेनो की, ठीक है, आप यहाँ आके अनुज जी से मिलिए और कॉन्टैक्ट करिए। जो भी अच्छा ऑफ़र होगा उस मंथ का, अभी तो आप फरवरी में अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ऑफ़र पता लग गया। बाकी अगर आपको कोई किसी और मंथ में अगर आप आगे आप वीडियो देख रहे हैं तो आप यहाँ विजिट करिए, जो भी अच्छा ऑफ़र होगा वो आपको अनुज जी प्रोवाइड करेंगे। बाकी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। आगे मैं आपको ऐसे ही कंटेंट और इंटरेस्टिंग कंटेंट देता रहूँगा। तब तक के लिए अपना और अपने का ख्याल रखिए।